वही रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने रामपुरा क्षेत्र में दो पक्षों में हुई मारपीट के बाद तलवार लहराने के तीन सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा तीनों सगे भाइयों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से तीन तलवारें भी बरामद की गई हैं। वही अभी बता दें, रुद्रपुर की सीओ सिटी निहारिका तोमर ने अपने कार्यालय में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि बीते दिनों रामपुरा क्षेत्र में दो पक्षों में हुए विवाद के बाद एक पक्ष भाइयों के द्वारा लगातार तलवार लेकर गोलियों में घूमते नजर आए, जिसकी सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुई थी। वहीं पुलिस के द्वारा वायरल वीडियो और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने तीन सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पप्पू रवि उर्फ मक्खन निवासी रामपुरा वार्ड नंबर 24 बताया। वही पुलिस के द्वारा तीनों ही आरोपियों के कब्जे से तीन तलवार बरामद की गई है, जो कि सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रही थी। वही पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश भी कर दिया है, जहां से आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। रुद्रपुर से मुकेश मंडल की रिपोर्ट। वायरल हो रहा था, इसमें दो पक्षों के बीच मारपीट का प्रकरण दिख रहा था, उसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत किए गए थे। उसी में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उसी में युक्त थे, उनकी आज गिरफ्तारी, रवि और अनिल, इन तीनों की गिरफ्तारी की थी। और जो इनके द्वारा जो तलवार आपको कैमरे में दिख रही थी, जो वेपन ऑफ क्राइम के द्वारा घटना में प्रयुक्त किया गया था, उसको भी बरामद किया गया इनकी निशानदेही।